धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, भगवान जो हैं बड़े विलक्षण हैं, बड़े महान हैं और हम सब उन्हीं की संतान हैं, ये याद रखो। गीता में भगवान ने कहा है, ममे वंशो जीवलोके जीवभूता सनातना, सारे जीव मेरे अंश हैं, मेरे वंश से हैं, मेरे ही हैं और सनातन हैं। सनातन कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मना षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृतिम स्थानी कर्षति, अभी छह इंद्रिय मन के साथ हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, छठा मन। जीव यहाँ बहुत संघर्ष कर रहा है इस भौतिक जगत में, और मेरी जो प्रकृति है, मेरी ये जो मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिम स्थानि कर्षति, मेरी प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है। आपने सुन रहा, कहते थे हिटलर था, कितने जूश मारे उसने, कहाँ है वो अभी। मुसलिनी था, खुमेनी था, खुमेनी कहते कि हर घंटे के बाद एक आदमी को मारता था वो, कहाँ की बोलो। तो हर एक अविद्या में, अज्ञानता में है। तो प्रभुपाद कृपा से मैं क्या कहना चाहता हूँ, हमारा बस एक ही काम है, शुद्धि न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। अगर हम शुद्ध नहीं है ना, हम जो कुछ भी बोल रहे हैं सब बेकार है। वो कैसे बेकार है, जैसे मेंढक का टराना, मेंढक जो है टर्राता है, टर 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 कर रहा है, तो क्या होता है उससे। मेंढक जो है वो सांप का आहार है। मेंढक जब गला फुला के टर टर करता है तो सांप दिखता है उसको, सांप आ जाता है वहाँ पर, आकर उसको खा लेता है। इसी प्रकार अपनी सत्ता को शुद्ध करने के अलावा हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। मेंढक का टहराना की तरह टहराने की, समय का नाश। ये हमारी संस्कृति बड़ी विलक्षण है थी। कुछ हमारे भी कर्म होंगे, विदेशियों का बड़ा आघात हुआ इस पर। पहले यवन लोग आए, बड़ी दुर्गति की उन्होंने, लूट कर ले गए देश को। वो भी फिर हमेशा के लिए 800 साल रहे यमन यहाँ पर। फिर मलेच्छाए, मलेच्छों ने लूटना शुरू किया, ये भी लूट के ले गए। यवनों ने क्या किया कि हम लोगों को मार मार कर यवन बनाया, बहुत सारे मर गए बेचारे, हम नहीं बनेंगे, गला काट देते। और जो कमज़ोर दिन अच्छा बन जाते हैं और धर्म भ्रष्ट। मलेच्छों ने क्या किया, लालच दिया, लालच दिया, पैसे दिए, लोगों के धर्म परिवर्तन किया। अभी भी वो हो रहा है, गरीब लोग अभी भी उनके चुंगल में फंस रहे हैं। तो ये जो वैदिक संस्कृति है, जो वास्तव में संस्कृति है, इसका ह्रास हो रहा है, लोग इससे दूर जाते जा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि पता नहीं किस किस योनि में हम गए,
वैसे तो 84 लाख योनियाँ हैं। प्रभुपाद समझाते हैं कि कर्मों के अनुसार योनि मिलती है। अगर कोई मनुष्य शरीर में बड़ा मांसाहारी है तो उसको भगवान वाघ या शेर का शरीर देता है, मांस ही खाना। जैसा कर्म करेंगे वैसा बनेंगे। करनी भरनी आपकी, ना माई की ना बाप की। तो कृष्ण की कृपा देखो कि जब हमारा सारा समाज भटक चुका है। अब देखो ये प्रभुपाद के मैं लेक्चर सुनता रहता हूँ, रोज सुनता हूँ, बोले कि भटकाने वाले बहुत आ जाते हैं, स्वार्थी लोग बहुत आ जाते हैं, पर जो वास्तव में आपका भला चाहता है वो लोग गिने चुने हैं। प्रभुपाद जी उनमें से एक है। परमार्थी कम कहाँ मिलता है, कोई स्वार्थी लोग स्वार्थ पूर्ति के लिए, पैसे के लिए। अरे पैसा यहीं का है, यहीं रहेगा, साथ हमारे कुछ नहीं जाने वाला। इसलिए कहा है कि कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा, छूटेंगे धन व जन मगर ये साथ जाएगा। अभी भी एक भक्त से मेरी बात हो रही थी, जब हमने व्यभिचार किया, गौ मांस भक्षण किया तो बस अशुद्धि होगी पर हमेशा के लिए। शुद्ध हो सकते हैं लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। गुरु महाराज ने एक शब्द कहे थे प्रभुपाद ने, इन द बिगिनिंग वी गेव द इनिशिएशंस, शुरुआत में हमने दीक्षाएं दी थी। क्यों? बिकॉज वी वॉन्टेड टू रन दिस मिशन, ये मिशन चलाना था, बट नो द स्टैंडर्ड मस्ट बी सेट। भीड़ भाड़ इकट्ठी होगी उससे क्या होगा, भीड़ भाड़ ना अपना कल्याण कर सकती है ना दूसरे का। जैसे एक भक्त था, मृदंग बजाता था, दिल्ली में थे हम, तो मुझे वो एक माता के घर में ले गया। वो माता क्या है, वो निरंकारी बनी हुई है, उसको समझाने का प्रयास किया। उसका क्या जवाब था, वो अंदर से एक मूर्ति ले आई कृष्ण की, देखो मेरी माँ तो कृष्ण की पूजा करती थी। मैंने कहा मेरे को दे दे, कहते ये नहीं दूंगी। मैंने कहा तू तो निरंकारी है, मैंने तू निरंकारी समझाया जाए, तो उसकी थोड़ी समझ में आया। मैंने कहा क्यों तू निरंकारी बनी, कहते बड़ी दुनिया जा रही है उधर, ये जवाब, जहाँ भीड़ भाड़ है वहाँ लोग चल पड़ते हैं। भीड़ भाड़ को कहा है भेड़ चाल, बहुत सारी भेड़ें, 100, 200, 300 भेड़ें हैं। एक भेड़ को लाइव स्टॉक गोडाउन में बंद किया, बाकी सब पीछे पीछे उसकी चली जाती हैं। उनको किसी को ये नहीं पता कल हमको यहाँ से निकाल कर हमारे गले पर छुरी चलेगी, मार दिया जाएगा। ये गति आज हमारे मानव समाज की हो रही है। तो गुरु महाराज कहते हैं शुद्धि ना सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। ये मैं आप सबसे यही कहूँगा, इन शब्दों को दोहराओ और याद रखो। अगर हम शुद्ध नहीं हुए तो अंत समय में जैसी हमारी विचारधारा होगी, जैसा हमारा मन का चिंतन होगा, उसके अनुसार हमें अगला शरीर लेना पड़ेगा। उसका भी उदाहरण प्रभुपाद देते हैं 8वें अध्याय का ये श्लोक, यम यम वापी स्मरण भावम।
यम यम वापी स्मरण भाव त्याजते अंते कलेवरम तम तमे वेति कौंतेया सदा तद भावा भाविता। जो जिस भाव से शरीर का त्याग करता है वो उसी भाव को प्राप्त करता है। अभी लोगों ने क्या कर दिया है, यह तो मत तत्व पथ, जैसे हम किसी का बेचारा वैसा रास्ता बना लिया, वो तो उससे थोड़ा कल्याण होने वाला। और प्रभुपाद फिर इस श्लोक के तात्पर्य में समझाते हैं, हमारी कृष्ण भावने का ये परीक्षा है। अगर हम जीवन काल में कृष्ण भावना से भावित हो गए तो अंत समय में भी हमारा यही भाव होगा। जीवन काल में अगर हम नहीं कर सके तो अंत में वही होगा जो जीवन काल में किया। फिर प्रभुपाद जी ने महाराजा भरत का उदाहरण दिया। महाराजा भरत बड़े महान थे, बड़े नोबल किंग थे, जिन्होंने यंग एज में ही दुनिया का राज्य, ये सारा संसार भारतवर्ष है, ये सिद्ध हो चुका है, दुनिया का राज्य, सारी दुनिया का राज छोड़ दिया, सुंदर पत्नी बच्चे महलों का सुख, क्योंकि जीवन का उद्देश्य इन चीजों के से चिपके रहना नहीं है। पर हम अज्ञानी हैं, शुद्धि नहीं है, हम इन्हीं की तरफ आकर्षित होते हैं, इन्हीं से चिपके हुए हैं। महाराजा भरत ने सब छोड़ दिया। महाराजा भरत जो है भगवान ऋषभदेव के बड़े पुत्र थे, छोड़ के चले गए कहाँ, गंडकी नदी के किनारे पुलहा आश्रम। आश्रम क्या है, जंगल में ही बस कुरियाने का ठिकाना नहीं, वहाँ घास फूस की जैसे भी कुटिया बना ली, कहाँ राजा, कहाँ महलों में रहने वाले, कहाँ इतना सुख भोगने वाले, आज वो एक घास फूस की कुटिया में रह रहे हैं। तो वर्णन आता है तीन बार वो नदी की नदी में स्नान करते थे। गंडकी नदी भी पवित्र नदी है जिसमें से शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। वह तीन बार स्नान करना, ध्यान करना, भगवान का स्मरण करना, वर्णन आता है उनकी समाधि लगने लग पड़ी। समाधि जो है क्या है, ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। वैदिक डिक्शनरी में समाधि का अर्थ बताया है, सम्यग अधीयते अस्मिन् आत्म तत्व यथात्मयम्। मन जब संकल्प विकल्प छोड़ करके आत्मा के चिंतन में लग जाता है उसे समाधि कहते हैं। हमारा मन भटक रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है, कई प्रकार की बातें सोच रहा है, ये मन की मलिनता है। जब तक मन शुद्ध नहीं किया ना हमने, तो ये बात याद रखो, मलिन मन की हर बात बेकार है। मलिन मन में कभी कुछ आएगा, कहेगा ये करो, फिर कहेंगे ये बेकार है, फिर ये करो ये भी बेकार है, ये मलिन मन की गति है। और ये मलिन मन शुद्ध कैसे होगा, हरि नाम ही सार है। शुद्धि करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए हमने क्या करना है, भगवान का नाम, ये नहीं 16 माला जपी और फिर दूसरे दिन माला ही नहीं मिले, नहीं। भगवान जो हमारे शुभ चिंतक हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु, वो क्या कह रहे हैं, नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि, ये नहीं घंटा दो घंटा, सदा 24 घंटे। अब बोलो 24 घंटे में कैसे होगा, सोना भी होता है 5-6 घंटे हमको। दिन में अगर आपने ये चिंतन किया ना, और आपको आदत पड़ गई बस हर समय चिंतन की, जागृत अवस्था में आप चिंतन कर रहे हैं भगवान का, फिर सोए हुए भी आपको वही स्मरण होगा, भगवान का नाम याद आएगा, भगवान दिखेंगे, भगवान की लीलाएं दिखेंगी। नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि, क्योंकि ये जीवन जो है अनमोल है। हम वृद्धावस्था में हैं, वृद्धावस्था क्या है, उदाहरण देके मैं आपको प्रभुपाद कृपा से समझाने का प्रयास करता हूँ। एक आदमी रस्से से बंधा हुआ है,
कुछ नहीं कर सकता, हाथ पांव बंधे हैं उसके, और एक के ऊपर से नहीं ऐसे चल फिर सकता है वो। ये उदाहरण बद्धावस्था जो बंधन में है कुछ नहीं कर सकता, और एक मुक्त, मुक्त जो है वो सब कुछ कर सकता है। उदाहरण एक जिसे अंग्रेजी में क्रूड एग्जाम्पल कहते हैं, हम सब बद्धावस्था में है, बंधन में है, और मन मलिन है, जीवन काल में अनेकों खराब कर्म हमने किए, बुरे कर्म किए, उनका प्रभाव रहता है। अभी देखो मांस खाना भी बेकार है, पर जिसने गऊ मांस खाया वो तो बिल्कुल बेकार। गऊ मांस खाने वाले की तो गति नहीं है, पर वो भी अगर बड़ी मेहनत करे, अगर लाभ प्रतिष्ठा से ऊपर हो जाए, मान सम्मान से ऊपर हो जाए, उसका भी कल्याण हो सकता है। पर ऐसा कौन है, हम अशुद्धि आ जाती है हमारे जीवन में। तो गुरु महाराज प्रभुपाद यही कहते थे, शुद्धि न सत्ता, शुद्धि न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। तो शुद्धि हमें हमारा, हमारे जीवन का जो समय है उसमें से एक मिनट भी व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक श्वास भी व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। इस श्वास की कितनी कीमत है, प्रभुपाद एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक आदमी मिलियनर, बड़ा अमीर मर गया है, बड़ा पैसा था उसके पास, जैसे धीरू भाई अंबानी के पास बड़ा पैसा था। तो दुनिया की दौलत लगाकर उसकी एक श्वास जो चली गई है उनमें से एक वापस नहीं लाई जा सकती, दुनिया की दौलत लगाकर एक श्वास तो डाली नहीं जा सकती। यहाँ हम विचार कर सकते हैं हमारे श्वास कितने कीमती हैं। एक श्वास भी अनमोल है, ये एक श्वास भी व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, इसका सदुपयोग क्या है। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम ये इसका सदुपयोग है। और देखो कि पहले युगों में, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में बड़ा कठिन था भगवत प्राप्ति करना। क्यों, सतयुग में साधन था ध्यान, लोग 100,000 वर्ष के जीते थे, 100,000 वर्ष उम्र होती थी, वो ध्यान लगाते थे। आपने सुना है ना, विश्वामित्र ने भी 50,000 साल ध्यान लगाया था, फिर भी वो मेनका नामी अप्सरा के साथ पतन हो गया था उनका। सतयुग में ध्यान, कलयुग में लोग लगाते हैं, प्रभुपाद कहते हैं ध्यान लगाते समय या तो सो जाते हैं या विषयों का चिंतन करते हैं। कलयुग में ध्यान नहीं लगा सकते हम, जीव स्वतंत्र है, उसका लोग दुरुपयोग करते हैं, स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। करते ही सतयुग में ध्यान, त्रेत्याम यजते मखे, त्रेता युग में यज्ञ पुरुष, यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ विष्णु भगवान के लिए, कृष्ण के लिए किया जाता है, यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न करते थे, ऐसे भगवत प्राप्ति होती थी त्रेता युग में। आयु हो गई 10,000 वर्ष त्रेता युग में। द्वापर युग आया, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में मंदिर में मूर्ति विग्रह रूप में भगवान की पूजा होती थी, भगवान की मूर्ति और भगवान में कोई भेद नहीं है।
अच्छा, कई लोग कहते पत्थर में, अरे पत्थर किसने बनाया? हम बना सकते हैं पत्थर, वो भी भगवान ने बनाया, भगवान का ही स्वरूप है। और मंत्रों के द्वारा जब उनका आवाहन वहाँ किया जाता है तो उसमें आकर भगवान विराजमान हो जाते हैं। कई अनेक उदाहरण पहले भी चर्चा हुई। तो द्वापर युग में सेवा, मूर्तियों की सेवा, और वो वर्णन आता है पद्म पुराण में, श्लोक है जिसमें कहा है कि जो मूर्ति को पत्थर समझता है, बहुत सारी बातें निकाल वही रही श्लोक, पद्म पुराण का श्लोक ही है मैंने, तो वो उसको नरक में जाना पड़ता है। ये पद्म पुराण के रचयिता भी भगवान वेद व्यास हैं। ये ये नहीं वो श्लोक दूसरा जिसमें अपराध बताए हैं, वो मेरे का पद्म पुराण का श्लोक है तेरे पास? श्लोक बुक में था वो, कई बार मैंने उसे उसका शब्द कोई जो मूर्ति को पत्थर का बना हुआ समझता है, या प्रभुपाद जी जैसे संतों को गुरु को साधारण मनुष्य समझता है, और भी बहुत सारे उदाहरण उसमें हैं। बहुत जरूरी श्लोक हैं, श्लोक का बुक लाएं, हाँ ले आओ। तो भगवान जो हैं द्वापर में मूर्ति के द्वारा, अभी कलयुग 5,000 साल पहले शुरू हुआ, तो द्वापर युग में मूर्ति, तो अभी भी ये मूर्ति पूजा चल रही है। पर कलयुग का जो धर्म है कलो तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में हरि कीर्तन, भगवान का नाम, ये विशेष करके महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम राम। अभी ऐसा ना कि हम बद्ध जीव हैं, हमारा विश्वास नहीं बैठता, विश्वास हमारा डामाडोल हो रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव की कृपा से हमने नाम में विश्वास करना है। देखो इन्होंने नाम संकीर्तन का आंदोलन शुरू किया अमेरिका में, कैसे? कीर्तन से। इस आंदोलन शुरू कैसे होगा? टॉमकिंस क्योर पार्क में प्रभुपाद जाते हैं, एक बहुत बड़ा वृक्ष, उसके नीचे खड़े होकर के खरताल से कीर्तन करते थे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये श्लोक मिल गया। अर्चे विष्णु शिलाधीर गुरुषु नरमतीर वैष्णवेर जाति बुद्धि। मेरी एन के छोटे हैं शब्द इसमें थोड़ी। हाँ ठीक है। वैष्णवानां कलिमल मथने पादतीर्थे अम्बुबुधि श्री वैष्णोर नामिना मंत्रे सकल कलुष हे शब्द सामान्य बुद्धिर विष्णु सर्वेश्वरेशे तदित रस मधिर यस्य वा नारकी सह। भगवान विष्णु के विग्रह में शिला बुद्धि करने वाला, इसलिए मैंने शिला मतलब पत्थर। विष्णु के विग्रह, भगवान का विग्रह जो है उसको पत्थर समझ, शिला बुद्धि करने वाला अर्थात उसे शिला समझने वाला, आध्यात्मिक गुरु में नर बुद्धि करने वाला, आध्यात्मिक गुरु जैसे प्रभुपाद अर्थात उन्हें केवल एक मनुष्य समझने वाला, विष्णु भक्त वैष्णव में जाति बुद्धि करने वाला। अगर कोई वैष्णव बन जाता है ना, उसकी कोई जात नहीं रहती, उसकी हमारे ये सिद्धांत है। अगर कोई जन्म से भंगी भी है ना, अगर वो भक्त बन गया वैष्णव बन गया वो भंगी नहीं रहा, फिर वो फिर वैष्णव बन गया। अगर कोई ऐसा कोई भक्त है वैष्णव है पर उसका पूर्वाश्रम कोई ऐसी जाति पाति का, विष्णु भक्त वैष्णव में जाति बुद्धि करने वाला अर्थात उसे किसी विशिष्ट जाति का समझने वाला, भगवान विष्णु के अथवा वैष्णवों के कलिमल नाशक चरण जल, वैष्णवों के चरणा के जो जल चरणामृत अथवा चरणामृत में अथवा गंगा में जल बुद्धि करने वाला, गंगा जी का जो जल वो भी चरणामृत है, वो जल बुद्धि नहीं, जल नहीं उसको कह सकते हम, अर्थात उसे केवल सामान्य जल समझने वाला, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के पवित्र नाम रूपी मंत्र में अर्थात सभी कलमशों का नाश करने वाले उस मंत्र में
सारे कलमश सारे दोषों का नाश भगवान के नाम से होता है। नाश करने वाले मंत्र में सामान्य शब्द बुद्धि करने वाला इस आम शब्द है, कोई ऐसा करता है अर्थात उसे सामान्य शब्द ध्वनि समझने वाला और सभी ईश्वरों के ईश्वर भगवान विष्णु में ऐसी बुद्धि करने वाला कि वे और अन्य सभी समान हैं, जिसकी ऐसी बुद्धि है वह निश्चित ही नरकवासी ही है, वो नरक में ही जाएगा, नरकवासी ही है जो ऐसी भावना रखता है। तो भगवान का जो विग्रह है उसमें भी नहीं जाती बुद्धि, इसलिए ये श्लोक पद्म पुराण से मैं आपको बताना चाहता था। तो हमें अपनी शुद्धि करनी है, शुद्धि पहले तो नाम से, नाम जपो। इसलिए भगवान ने कहा नाम गाने सदा रुचि, नाम गाने में सदा रुचि रखो। कई बार लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, अरे जिनके पास टाइम नहीं है वो मान लो कई माताएं कहती हैं हमारे पास टाइम नहीं है, कई भाई भी कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, गाड़ी चला रहे हैं जीवा से तो नाम ले सकते हैं, साइकिल चला रहे हैं जीवा से नाम ले सकते हैं, माताएं किचन में काम कर रही हैं रोटियां बना रही हैं कुछ भी कर रही हैं जीवा से नाम ले सकते हैं। तो छूट है ये हर समय हर हालत में, जैसे कहा ना कि उठी थे वैसी थे, उठते बैठते खाई थे सूई थे, खाते या सोते, खा रहे हैं या सो रहे हैं, यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे भी नाम ले, देश काल नियम नहीं, ये नहीं कि अभी लेना अभी नहीं लेना है, सर्व सिद्धि होए, ये सिद्धि हम सबने प्राप्त करनी है, सब पुरुषों ने सब स्त्रियों ने, नहीं तो भाई हम वृद्धावस्था में हैं हम नहीं समझ सकते कि कितना कष्ट प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे एक बच्चे का उदाहरण दिया जाता है, साल में वो पढ़ता नहीं है, डंडे बजाता है, वो खेल कूद में लगा रहता है, पढ़ने वाले अगली कक्षाओं में चले जाते हैं, अभी वो पहली कक्षा में रह गया, उसे बड़ा दुख होता है कि मैं तो पहली कक्षा में ही रह गया। अभी वो रोता है, रोता है तो पास फेल करने वाला एग्जामिनर पास से गुजरता है, उसको वो कहता है कि नंबरों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर थोड़े दे देता तो क्या बात थी। उसने देख लिया कि मैंने फेल किया इसको, उसको झट कहता है कि पुस्तकों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर थोड़ा पढ़ लेता तो क्या बात थी। हमें मेहनत करनी है अभी, नहीं तो परीक्षा में फेल होना पड़ेगा, सबसे बड़ी परीक्षा हमारी अंतिम समय में होगी, उस समय कोई हमारा सहाय नहीं होगा। इसलिए ये भजन जो लोगों को बड़ा पसंद आया, खाली पसंद नहीं करना, ऐसा हमने अपने आप को बनाना है, क्या मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सावरिया मेरे, ऐसे बना ले हम अपने आप, कोई और कोई सहारा नहीं, सब झूठे हैं। देखो जरा दिमाग से काम लो, मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया चली गई, पिता ने छोड़ दिया, भाइयों ने छोड़ दिया, बहन ने छोड़ दिया, कईयों की पत्नियाँ छोड़ देती हैं, वही नहीं सोचते कि मैंने भी मुझे भी छोड़ना सब कुछ, वो दूसरी शादी कर लेगा,
पत्नी ने छोड़ दिया, पत्नी ने पति को छोड़ दिया। देख रही हूँ, समझ क्यों नहीं आ रही, शुद्ध नहीं है। बस याद रखो, देखते हुए भी अनजान क्यों बने हुए हैं। मन मलिन है, मन में अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। ये मन के ऊपर जो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, ये नाम से जाएगा, नंदलाल की कृपा से जाएगा। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। करुणा सागर तेरा सहारा, जिसने पुकारा उसे तूने तारा, मैं आया द्वारे तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मैं आ तुम दीन बंधु हितकारी, मैं दुखिया शरण तिहारी, काटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। काटो विषयों के जाल में फंस कर, बंदियों मोह पाश में कस कर, दुख पाए नाथ घनेरे, दुख पाए नंदलाल सवरिया मेरे। हम दीन हीन संसारी, एक आशा नाथ तिहारी, तेरे चरण कमल के चेरे, तेरे चरण नंदलाल सांवरिया मेरे। दिन रैन चैन नहीं आवे, एक तेरी याद सतावे, अगर ऐसा हो जाता है ना, चैन नहीं आ रही और भगवान याद आ रहे हैं, ये जीवन की सफलता है। ऐसे खाली गाना नहीं, ऐसा बनना है। दिन रैन चैन नहीं आवे, एक तेरी याद सतावे। फिर लेखक लिख रहे हैं, जग देख लिया बहु तेरे, जग देख नंदलाल सवरिया मेरे। प्रभु दुनिया देख ली कैसी है, दुनिया कोई किसी का है नहीं, पर हमें नहीं समझ आती, शुद्धि नहीं है। सब्जेक्ट है ये शुद्धि पर, बार बार हमने रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग, एक बात को बार बार दोहराया जाएगा तो हम सीखेंगे। शुद्धि करनी है अपनी, सारी समस्या अशुद्धि की है।
अगर कोई अंतशंत भक्त है, अशुद्ध है, वो जो भक्त होगा वो कभी कुछ उल्टा किसी को नहीं बोलेगा। वो अभी देखो जैसे एक कथा आती है भक्तमाल में, एक नौका पर एक महात्मा जी जा रहे थे, उसमें एक पठान भी था, वो घोड़े पर सवार था, घोड़े पर सवार हो गए, नौका में भी वो जो है घोड़े पर ही सवार रहा, बड़ी नौका थी। तो उसका घोड़ा बड़ा उचक उचक करने लगा, तो वो पठान समझने लगा कि ये जो बाबा बैठा है इसको देख के मेरा घोड़ा ऐसा कर रहा है। उसने उसको 2-3 कोड़े मारे, चाबुक मारे उसको। महात्मा सच्चे संत थे बेचारे, सब बड़ा कष्ट हुआ, खून निकलाया, पर बोले कुछ नहीं। वो हुआ कि आगे भगवान से सहन नहीं हुआ, घोड़ा इतना उचका के पानी में गिर गया, दोनों मर गए, घोड़ा भी मर गया और वो पठान भी मर गया। उसने आप आकर अपने गुरुजी को बताया, तो फिर ओ देखो गुरुजी कैसे हैं, गुरुदेव ऐसे एक मेरे पठान ने मुझे मारा, मेरे चाबुक मारे, उसका घोड़ा उचक उचक कर रहा था, सोचा मेरे कारण कर रहा है, तो मारा, मैंने सब सहन किया, कि तेरी गलती थी, तू कुछ बोलता तो वो मरता नहीं, बच जाता वो भी, तूने सहन जब किया तो भगवान ने उसको ख़त्म कर दिया। ये वर्णन आता है वहाँ पर। तो हमें जो है अपनी सत्ता को शुद्ध करना है, याद रखो, क्योंकि इस समय जो है, अंग्रेजी में एक कहावत है, टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नो वन, समय और समुद्र की लहर किसी का इंतज़ार नहीं करते। जब भी हमें ऐसे संतों की कृपा से, जिनके पीछे मैं खड़ा हूँ, कुछ समझ में आ जाता है, उसको गंभीरता से ले लो, बस ऐसे बस शुद्ध, मैंने अपनी शुद्धि करनी है, क्योंकि फिर ये भी सोचो भाई मैंने यहाँ रहना तो है नहीं, रहना तो मैं चाहता हूँ पर यहाँ रह नहीं सकता, यहाँ से निकाल दिया जाएगा मुझे। कभी प्रभुपाद जी के साथ चर्चा होती थी जाने की, शरीर छोड़ने की, क्या बिल्कुल सधार लेते थे, क्या है शरीर तो छोड़ना ही है एक दिन, हम लोग अटैच हैं, वो जब शरीर छोड़ना पड़ेगा क्या होगा, क्योंकि हमारा मन अभी हरि चरणों में नहीं लगा, हमारी सत्ता शुद्ध नहीं हुई, हमने अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। तो ऐसा बन जाए दिन रहन चैन नहीं आवे, एक तेरी याद सतावे भगवान को, यही जीवन की सफलता है। जग देख लिया बहु तेरे नंदलाल समर, ये जग क्या है, कुछ भी नहीं, बेकार, सब लोग स्वार्थी। एक दोहा आता है, सुर नर असुर मुनि की जय रीति, सुर नर असुर स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ सुर नर देवता और मनुष्य, असुर राक्षस, मुनि ऋषि मुनि, सुर नर असुर मुनि की जा रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। ये जो स्वार्थ है ना, ये बड़ी बुरी बला है, बहुत बुरा है। भगवान को स्वार्थ व्यक्ति बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हम किस लिए करें, हमें तो कुछ करना ही नहीं, हम परमार्थ का ही काम करना है। भेदभाव के मन की मलिनता है, भेदभाव है, क्यों इनके लिए, क्या क्यों करें हम, क्यों मरें हम इनके लिए। देखो गुरुदेव ने वृंदावन छोड़ दिया, इस अवस्था में 70 साल की अवस्था में कोई वृंदावन नहीं छोड़ता, क्योंकि हम स्वार्थी हैं बाकी लोग। वृंदावन, वृंदावन में अंत हो तो बड़ा शुभ बताया है, भगवत प्राप्ति होगी, भगवान मिलेंगे, लेकिन संतों को अपनी कोई चिंता नहीं,
गुरु जी ने कहा था 1922 में, 1922 से लेकर 1965 तक तैयारी करते रहे। गुरु जी ने कहा था, हमारे दादा गुरु ने प्रभुपाद जी को कहा था कि तुम एक पढ़े लिखे नवयुवक हो, कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषी संसार में क्यों नहीं करते? जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं उनको, क्योंकि अंग्रेजियों के पीछे हम पड़ गए हैं। तो अभी भाषा अपनी नहीं हमारी, अंग्रेजी बोलना पसंद करेंगे, पहरावा अपना नहीं, पेंट पहनेंगे। पुरुषों ने तो पेंटें पहनी, माताओं ने नहीं पहनी थी, अब माताएं भी पेंटें पहनने लग पड़ी, बेशर्मी का प्रदर्शन होने लगा, विदेशियों की नकल। ये पता नहीं इन लोगों को, हम लोगों को, जो लोग विदेशियों की नकल कर रहे हैं, अंत क्या होगा? अंत नरक में जाना पड़ेगा। और कहा है ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल, सभी अच्छा है अगर अंत अच्छा है, अगर अंत अच्छा नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं। जीवन काल में ये भौतिक विषय विकारों का सुख भोगा, जैसे वर्णन आया था ना उसमें भी, विषयों के जाल में फंस कर बंदियो मोह पास में, विषयों के जाल में फंस कर बंदियो मोह पास में कस कर, विषयों विषयों स्त्री चिंतन, स्त्री संग, स्त्री का पुरुष चिंतन, पुरुष का संग, मोह से काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है, फिर लोभ और फिर अहंकार। विषयों के जाल में फंसकर बंदियों मोह पास में कस कर बंध गया हूँ, दुख पाए नाथ कनेरे, ये नाथ मैंने बड़े कष्ट उठाए, नंदलाल समरिया मेरे। बस नंदलाल कृष्ण वही हम सबके स्वामी हैं, वही भगवान हैं, बाकी सब उनके अधीन हैं। चैतन्य चित्तामृत में वर्णन आता है, अकेला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, नियंता केवल कृष्ण हैं, बाकी सब उनके सेवक हैं। स्वामी केवल कृष्ण, हम स्वामी नहीं, हम सेवक हैं। लेकिन हम सब स्वामी बनना चाहते हैं, सेवक कोई बनना नहीं चाहता, तो भगवान थोड़ा मिलेंगे, आवागमन 84 का चक्कर मिलेगा। अगर हम सेवक बन जाते हैं और कृष्ण के चरणों में हमारा मन लग जाता है तो जीवन सफल हो जाएगा। पर ये विषय विकार नहीं लगने दे रहे, तो दिन रैन चैन ना आवे, एक तेरी याद सतावे, हम विचलित रहें, भगवान को याद करें, प्रभु कब मिलेंगे, कब कृपा करोगे। जग देख लिया बहु तेरे, दुनिया को देख लिया, सब स्वार्थी हैं, कोई माँ बाप क्या, बच्चे क्या, आजकल के बच्चे तो बिल्कुल बेकार हो गए। भारत में जब विदेशियों को, विदेशियों में ऐसा, जब माँ बाप वृद्ध हो जाते हैं तो ओल्ड एज होम में चले जाते हैं, ओल्ड एज होम में, और बच्चे अपना विषय विकारों को भोग रहे हैं, बेशर्मी का प्रदर्शन कर रहे हैं, टीप टाप बड़ी है, हम लोग टीप टाप की तरफ देखा हो करके विदेशों में चले जाते हैं, अपना जीवन खराब कर लेते हैं। और बच्चे फिर कम आते हैं माँ बाप के पास, रेस्ट होता है मरने से पहले, वो जो ओल्ड एज होम वाला है उसको, भाई मेरे लड़के को सूचित कर देना कि मैं मर गया हूँ, पर वो आ जाते हैं, क्या वो लिख जाते हैं, भाई मेरी इतनी संपत्ति है, मेरे लड़के को, मेरी लड़की को, इनको बांट दो, इनको दे देना। संपत्ति लेने के लिए आते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि उनकी भी यही गति होगी, उनको नहीं मरना है, शुद्धि नहीं है, अशुद्ध हैं, इसलिए शुद्ध है ना सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। और सत्ता शुद्ध कैसे होगी? भगवान के नाम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे,
हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे निशिबासर ध्यान लगाऊं निशिबास तेरी पद रज शीश चढ़ाऊं तेरी पद गुण गाऊं सांझ सवेरे गुण गाऊं नंदलाल सांवरिया मेरे तुमने लाखों पापी तारे नहीं कुछ गुण दोष बिचारे खड़ा भिक्षुक द्वारे तेरे खड़ा भिक्षुक नंदलाल सांवरिया मेरे भव सागर में भटक रहा हूँ बीच भंवर में अटक रहा प्रभु बन के आ जाओ बेड़े प्रभु बन के नंदलाल सांवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे का कोई न याद रखो दुनिया के जितने सहारे हैं ना सब झूठे हैं कोई भी है माँ है बाप है पति है पत्नी है बेटा है बेटी है सास है ससुर है सब झूठे हैं इसलिए एक संत लिख रहे हैं ये जितने रिश्ते नाते हैं ये बस मरघट तक ही जाते हैं फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा फिर दुनिया में कौन हमारा दुनिया में कोई हमारा नहीं है हमारे हैं नंदलाल वास तो ये शरीर खाने पीने सोने के लिए अंग्रेजी बोलने के लिए
या विदेशों में जाकर रहने के लिए नहीं मिला, ये शरीर नंदलाल को पाने के लिए मिला है, नंदलाल की प्राप्ति करने के लिए। नंदलाल की प्राप्ति 24 घंटे हमारा ध्यान नंदलाल में बना रहे। कैसे प्राप्ति होगी? देखो कठिन भी नहीं है पर कठिन है भी। नंदलाल की प्राप्ति कैसे होगी? अगर अंत समय में नंदलाल का ध्यान आ गया जीवन में। अब देखो जैसे अजामिल का बड़ा जो उदाहरण है, अजामिल ब्राह्मण था पहले, बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण था। एक बार वन में जा रहा था कुछ हवन का सामान लेने के लिए। वन से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, सामदी, कुशाक, घास, कुछ कई चीज़ें। तो जब जा रहा था तो कर्मकांडी ब्राह्मण है, पत्नी है, घर है, उसको एक वेश्या दिखी। वेश्या के शूद्र के साथ गंदा व्यवहार करते हुए, देखो माया कैसी है। उसी वेश्या की ओर अजामिल आकर्षित हो गया। उस वेश्या को अपने घर में ले आया नौकरानी बनाकर। पत्नी समझ गई भाई इसके संबंध से, वो बेचारी सती साथ भी थी, घर छोड़कर पिता के घर चली गई। उस उल्टा स्त्री के साथ रहकर अजामिल इतना पतित हो गया, सब ब्राह्मण के धर्म कम सब भूल गया। वो मांसाहार, मदिरापान, व्यभिचार, दुराचार, ये काम उसके। लेकिन प्रभु की माया, प्रभु की लीला, ऐसे उदाहरण हमारे काम आते हैं। कान कुबज का था ये यूपी में जगह, कान कुबज अजामिल। वहाँ पर कुछ संत मंडली आई, भारत संतों का देश है, संत मंडली आई। संतों ने पूछा किसी को, भाई या किसी भक्त का घर बताओ, उन्हें भोजन करना है। किसी मूर्ख ने मजाक कर दिया कि ये यहाँ भक्त अजामिल है, उसके घर जाओ। ऐसे ही पागल एक वेश्या के घर में, एक दुष्ट के घर में भेज दिया। संत आ गए तो वो वेश्या थी घर में, उसकी पत्नी अजामिल की, उसको पत्नी बना गए। दुनिया भर के बच्चों की लाइन लग गई। तो अभी संत समझ गए, वेश्या ने स्वागत किया, हमारे बैठो, आप आए हमारे घर में। इतनी देर में अजामिल गया था शिकार खेलने, जानवर मार के कोई इधर लटकाया, कोई इधर लटकाया, जानवर को मार गया, खून से लथपथ आया। जट ने सब छुड़ाया, उससे कपड़े खुलाए, बोले जल्दी से नहाओ, वेश्या के अधीन था। नहाया धोया और उसको अच्छे कपड़े बना दिए, उसको साधु जैसे ही बना दिया। कहते उसको बोल, अभी इन संतों को कहना मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके दर्शन मेरे को हो गए। बोलो क्या कहोगे? मैं कहूँगा कि आपका बड़ा सौभाग्य है कि मेरे दर्शन आपको हुए। वैसे कहते चुप कर, कुछ नहीं बोलना तूने। अच्छा आके बैठ गए संत बेचारे बैठे हुए हैं। संतों ने कहा, ओ वैश्या भी गर्भवती थी। संतों ने कहा, भाई तेरे घर बेटा होगा, उसका नाम तुम नारायण रखना, नाम का प्रताप नारायण रखना। तो उसने नारायण रख दिया। अभी आखिरी बेटा था वो, नारायण इधर आओ, नारायण यहाँ बैठो, नारायण मेरे साथ सो जाओ, भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, अजामिल ने नारायण बेटे, पापी महान को विभव सिंधु से तारा था, पापी महान। बस एक बार मुख से हरि नाम लीजिए, बस एक बार, दिन चार जिंदगी के अजी जान लीजिए। बस श्वास श्वास मुख से हरि नाम लीजिए, बस श्वास श्वास। अजामिल नारायण नाम, अजामिल ने नारायण का नाम लिया। उस समय वो घबरा गया ना यमदूतों को देखकर, उसकी कंसंट्रेशन इस शब्द पर थी नारायण।
बस नारायण बोला जब ध्यान से, पहले तरह से बोलता था, हुआ क्या, झट नारायण के दूत वहाँ आ गए, अजा मिल के सारे पाप क्षीण हो गए नाम जपने से, नारायण का नाम लेते ही। विष्णु दूत आ गए, उन्होंने कहा यमने छोड़ो उसको, आप कौन हो तुम लोग। यमदूत ये समझते थे कि यमराज ही सब कुछ है, सबका स्वामी है, तो यमराज के ऊपर भगवान बैठे हुए। उसने यमदूतों ने कहा तुम कौन हो, जाओ यहां से, ये हमारे स्वामी का आदेश है, इसको लाना, ये पाप आत्मा है। कहते तुम्हारे स्वामी का आदेश है, तुम्हारे स्वामी से बड़ा हमारा स्वामी है। उन्होंने कहा कि उसको लेके आओ, जाओ तुम यहाँ से। युद्ध हुआ, आकर विष्णु दूतों के सामने यमदूत नहीं टिक सकते, चले गए, जाकर बचाया महाराज ऐसे ऐसे। यमराज ने ध्यान लगा के देखा, बोला भाई उसने तो नाम ले लिया था भगवान का, जब कोई भगवान का नाम ले लेता अंत समय में, उसे तुम कभी मेरे पास मत लाना, वो भगवान का हो जाता है। अभी देखो इतने पापी ने भी नाम लिया, उसका भी उद्धार हो गया। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भवसिंधु से तारा था। लेखक लिख रहे हैं बस एक बार मुख से हरि नाम लो, भगवान का नाम लो, दिन चार जिंदगी की अजी जान लीजिए। फिर कहते हैं हर श्वास श्वास मुख से हरि नाम लीजिए, हर श्वास में क्या बोलना आपने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो। याद रखो जो व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के पीछे धन स्त्री कोई घर मकान ये वो भौतिक वस्तुओं के जो पीछे है वो हमारा उद्धार नहीं कर सकता। हमारा उद्धार वही कर सकता है जो भगवान के पीछे है, जिसके लिए भौतिक वस्तुओं की कोई कीमत नहीं। भौतिक वस्तुएं यहीं की हैं, यहीं रहेंगी, आगे तो हमारे साथ केवल नाम जा सकता है। कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा, छूटेंगे धन व जन मगर ये साथ जाएगा। धन जितना भी होगा, अरबों रुपए होंगे, अरबों डॉलर होंगे, करोड़ों में नहीं, करोड़ों अरबों, सब एक भी डॉलर साथ नहीं ले जा सकते। और जन परिवार बहुत बड़ा होगा, 25 में बने परिवार के सब, धन व जन छूटेंगे धन व जन मगर ये साथ जाएगा नाम। इसलिए नाम जपो, नाम जपो, बस शुद्धि नहीं हो रही। अभी एक हमारे पास एक व्यक्ति आया, मैं बूढ़ा कहता हूँ उसको, आया वो मूर्ख आदमी, सारा जीवन ऐसे बीत गया उसका, अभी एक साल भी नहीं हुआ होगा उसको, कहते मेरी प्रगति नहीं हो रही, सारी उम्र तो पापड़ बेलता रहा, सारी उम्र उल्टे सीधे काम करता रहा,
अभी तुम्हारे एक साल में तुम भगवान को मिल लेगा। मारे कैसे भगवान को मिला जाता था, प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, कौमार अचार्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुवम अर्थदम। ये प्रहलाद महाराज ने कहा जब उनके सहपाठी जो राक्षसों के बच्चे थे, असुरों के बच्चे थे, उनको कीर्तन करवाते, जब प्रहलाद महाराज का जो मास्टर थे, टीचर शंड और अमर्क शुक्राचार्य के पुत्र, जब उनको पढ़ाते थे तो प्रहलाद जी की कोई रुचि नहीं थी। जब थोड़ा क्लास के रूम क्लास रूम से बाहर गए, प्रहलाद महाराज सबको कीर्तन करवाते थे और शिक्षा देते थे। तब उनके सहपाठी कहते हैं प्रहलाद, ये हमारा समय पढ़ने का है, खेलने कूदने का, ये भजन हम वृद्धावस्था में करेंगे। कहना नहीं, प्रहलाद जी कहते 5 साल की अवस्था से भक्ति करनी चाहिए कौमार, क्यों, ये शरीर बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुव मतदम, ये नश्वर होते हुए बड़ा अर्थपूर्ण है, नाशवान है, बाकी शरीर नाशवान है, ये भी नाशवान है लेकिन अर्थपूर्ण है, इसलिए हमने इसका लाभ उठाना है, इसके द्वारा भजन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम, बस यही जपते रहो। पहले पहले अपराध युक्त जपा जाएगा, प्रभुपद कहते हैं कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे सफाई होगी, क्लियरिंग होगी, पहले अपराध युक्त ही नाम जपेंगे हम, धीरे धीरे निस्पराध होगा, जब शुद्धि हो जाएगी तब जीवन सफलता की ओर आगे बढ़ने लगेगा। इसमें हमें पेशेंस होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, तो धीरे धीरे ये स्टेज आ सकती है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बृंदा। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवाणी पाश्चात्य देश समस्त देश तारने। धन्यवाद। तो आज 4 तारीख है, प्रभुपाद की शिक्षामृत, ये शब्द यही वृंदावन में कहे थे प्रभुपाद ने 4 सितंबर 1975 को। एक मूर्ख व्यक्ति क्या नहीं कहता और एक बकरी क्या नहीं खाती, बकरी सब कुछ खा जाती है और मूर्ख व्यक्ति भी हर बोलता ही रहता है, फालतू बातें बोलेगा, कोई उसका सर पैर नहीं है। एक मूर्ख व्यक्ति क्या नहीं कहता और एक बकरी क्या नहीं खाती, बकरी सब कुछ खा जाती है। हरे कृष्ण। आज की ये शिक्षा है। पुष्पक सोनार नासिक से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जैसे आपने सत्संग में बताया कि हमें खुद को शुद्ध करना है, परंतु इस भौतिक जगत में कार्य करते समय कुछ अपराध भी हो जाते हैं, उनसे कैसे बचें, कृपया मार्गदर्शन करें। अरे जब शुद्धि की तरफ आगे बढ़ोगे धीरे धीरे अपराध भी कम होना शुरू हो जाएंगे। जैसे शुद्ध अभी अपराध इसलिए हो रहे हैं हम शुद्ध नहीं हैं, जब शुद्ध हो जाओगे या होने लगोगे फिर अपराध नहीं करोगे। सर्वमंगला माता गोवा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरण कमलों में नतमस्तक प्रणाम।
महाराज जी, अनन्य भक्ति क्या होती है, कृपया समझाइए आपकी इस अज्ञान बालिका को। अनन्य भक्ति मतलब अन्य किसी की नहीं, केवल कृष्ण की, अनन्य। किसी सबका सम्मान करो, भक्ति केवल कृष्ण, अनन्य। अन्य मतलब अनन्य मतलब अन्य किसी की नहीं। 33 करोड़ देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, वह भक्ति केवल कृष्ण की। अनन्य भाव से भगवान के चरणों में प्रभु बस, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मैं कोई नंदलाल समरिया मेरे, ये उत्तर है आपके प्रश्न का। अन्य किसी का सहारा नहीं, जैसे वो कहा है ना, एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, एक एक सहारा। भजन बिना हो जीवन तेरा है पगले किस काम का, भजन बिना है पगल, एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, एक सहारा। इसी नाम से मीरा तर गई, लेके सहारा श्याम का, तर गई लेके एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। बाप ने था बेटे को सताया, अग्नि का था खंभ तपाया, अग्नि कीरी रूप में प्रभु जी मिल गए, दर्श हुआ घन श्याम का, दर्श एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। धन्य था एक जाट निराला, सीधा साधा भोला बाला, पत्थर से उसे प्रभु जी मिल गए, दर्श हुआ घन श्याम का, एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। सांझ सवेरे हरि गुण गाओ, जीवन अपना सफल बनाओ, बिना हरि भजन के पगले, बिना हरि जीवन ये किस काम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। समझ आई? कौन था ये प्रश्न करने वाला? सर्वमंगला।
सर्वमंगला। सर्वमंगला समझा ही नहीं तुम्हें। शंकरी माता नोएडा से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, क्या हम केवल हरे कृष्ण महामंत्र का ही आश्रय ले सकते हैं? महामंत्र के बाद हमें नरसिंह कवच, नारायण कवच पढ़ने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, या केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही पर्याप्त है? हरे कृष्ण मंत्र ही पर्याप्त है। नारायण कवच या नरसिंह कवच भी पढ़ो, कोई हर्जा नहीं है। नहीं पढ़ सकते हैं तो ये पर्याप्त है, इसमें सब गुण हैं। इसमें नाम में, इस महामंत्र में इतने गुण हैं जो शेष और शारदा भी बखान नहीं कर सकते। बाकी हम क्या कर सकते हैं, इतना नाम का प्रताप इतना है। राम न सकहि नाम गुण गाई, भगवान को अपने नाम की शक्ति का पता नहीं है। जैसे वो सुनाया था ना, जिस सागर को बिना से तुके फांद सके नहीं राम, कूद गए हनुमान उसी में, लेके राम का नाम, लेके नाम हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम। देखो कितना हमारे पर सुगम है, नाम लेकर ही हमारा मंगल हो सकता है। पर नाम इतने भाव से श्रद्धा से लेना है, हम सब कुछ भूल जाएं, खाना पीना सोना भी भूल जाएं, तब फलीभूत होगा, तब आनंद आएगा। शुरुआत में ऐसा नहीं होगा, पर लगे रहना है। एनोनिमस प्रश्न, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, क्या माताएं पुजारी बन सकती हैं? क्यों नहीं बन सकती, माताओं को भी अधिकार है पूरा, माताएं भी पुजारी बन सकती हैं। कई माताओं ने भगवत प्राप्ति की, और वैसे ये वर्णन आता है प्रभुपाद जी के मुखारवे से, मैंने सुना है कि कलयुग में पुरुषों की बनस्बत माताओं में ज़्यादा श्रद्धा होगी, ज्यादा भगवत प्राप्ति पथ में वो आगे बढ़ेंगे। रेखा मल्होत्रा माता सोनीपत से, कल इनका जन्मदिन था तो ये आपसे आशीर्वाद चाहते हैं भक्ति में प्रगति के लिए। रेखा मल्होत्रा, मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ में है, कृष्ण कृपा करें और प्रभुपाद जी के चरण में प्रार्थना करो, उनसे भी ये भक्ति मांगो। मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ में।